हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल वाइफ स्टडी पर, पार्ट ऑफ एन अकेडमी। जैसा कि आप सभी को पता है कि डेली 11 बजे आपके लिए एक शानदार बैच आता है जिसका नाम है टारगेट द मैथ, जहां पर मैं आपको कवर करवा रहा हूं एवरेज। और एवरेज का हम पढ़ने वाले हैं पार्ट नंबर वन, तो आपको काफी इंटरेस्टिंग तरीके से बहुत कुछ मजा आएगा और आपको बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो फटाफट से सभी विद्यार्थी फटाफट से जुड़ जाइए, आप सभी का स्वागत करता हूं और एक शानदार सेशन की हम शुरुआत करने जा रहे हैं। वीडियो को आप अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा जिससे कि वो भी हमारे साथ जुड़ पाए। एवरेज हमारा शुरू हो रहा है 11 AM और अब कुछ खास बातें आपके लिए होंगी। 12:30 बजे आपका ग्रुप डी के लिए मैं सेशन ले रहा हूं, उसके बाद 5 बजे मेरा फाउंडेशन बैच चलता है जो कि बेस्ट बैच है फॉर ईच बिगिनर। बेस्ट बैच आप लोगों के लिए है और ये नया बैच है बिल्कुल, है ना। अभी ये जो बैच है नया शुरू होगा, अभी नया बैच भी शुरू होने वाला है और ये जो चल रहा है वो भी आपको मिलेगा, ठीक है। तो यार इससे बेटर कुछ हो नहीं सकता। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो एक अच्छी और एक सॉलिड तैयारी करिएगा। साथ के साथ 6:30 बजे टारगेट द मैथ का टेस्ट होता है, यानी कि आज एवरेज पढ़ेंगे, उस एवरेज का टेस्ट लगाने आपको आना है। अब आप टेस्ट जरूर दें यार, क्योंकि तभी इंप्रूवमेंट आएगा। आप कहते हैं ना कि ज्यादा पढ़ने से क्या होगा, ज्यादा पढ़ने से इंप्रूवमेंट आएगा। रात को 8 बजे आपका मॉक टेस्ट होता है जो कि आप रेगुलर लगा रहे होंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं। अगर नहीं तो लगाइए, ठीक है। चलिए, हाँ, कीप साइलेंस, कृपया करके कीप साइलेंस रखें, है ना। ये एक बच्चे के मन में बहुत सारे डाउट होते हैं, ऐसा पढ़ाइए ऐसा पढ़ाइए, पढ़ाया वही जाता है लेकिन उस बच्चे के दिमाग में कितना काम कर रहा है वो उस पर डिपेंड करती है, चीज ग्रहता पे डिपेंड करती है। देने वाले तो हम हैं, समान देंगे सबको, ठीक है ना। सभी एग्जाम्स के लिए आप पढ़ रहे हो और आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हो, इतना मैं कह सकता हूं। साथ के साथ एवरेज के बाद हम अपना टॉपिक लेंगे अलजेब्रा, जहां पर हम अलजेब्रा को कवर करेंगे। आज से जीडी का मेरा बैच शुरू हो गया, मेरी पहली क्लास हो गई है। जिसने नहीं जुड़ा है, साहिल 10 एज ए कोड लगाकर अन अकेडमी पर आप अपना सब्सक्रिप्शन ले लें। मेरा नया बैच फाउंडेशन बैच भी आने वाला है तो वो भी आपको मिल जाएगा, और जो चल रहा है वो भी आपको मिल जाएगा। तो जल्दी से जुड़िए साहिल 10 एज ए कोड लगाकर अन अकेडमी पर SSC कैटेगरी में। 6:30 बजे आपका टेस्ट होगा, रात को 8 बजे मॉक टेस्ट होगा, 6:30 बजे एवरेज का टेस्ट नंबर 1 होने वाला है। साहिल 10 एज ए कोड लगाकर अन अकेडमी पर कहीं पर भी किसी भी तरह का डिस्काउंट आप चाहते हैं किसी भी सब्सक्रिप्शन में तो आपको वो मिल जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं एवरेज की। हेडिंग डाल लीजिए एवरेज, औसत। कई सारे बच्चों ने पहले भी पढ़ा होगा लेकिन हमेशा कुछ ना कुछ हमेशा सीखने को मिलता ही है, रिवाइज भी होने को मिलता है। चलिए एवरेज की अगर हम बात करते हैं तो एवरेज का सही मतलब, सही मीन क्या है उसके बारे में चर्चा ना हो तो फिर एवरेज एवरेज नहीं रहता, ठीक है। चलिए, एवरेज को हम क्या बोलते हैं, माध्य भी बोलते हैं, ठीक है। और यह भी एक सेंट्रल टेंडेंसी का पार्ट है, केंद्रीय प्रवृत्ति होती है ना डेटा की, ये उसका ही एक हिस्सा है, इसको हम एवरेज कहते हैं। एवरेज का यूज कहां कहां होता है, एवरेज का यूज माध्य विचलन निकालने में, मानक विचलन निकालने में, प्रसरण निकालने में एवरेज का यूज होता है। प्रसरण को बोलते हैं वेरिएंस, मानक विचलन को बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, और माध्य विचलन को बोलते हैं मीन डेविएशन। यानी कि इन तीनों चीजों के बारे में अगर हम चर्चा करते हैं तो हमें माध्य की सख्त आवश्यकता होती है, ठीक है। क्या होती है, हमें आवश्यकता होती है इनके लिए। माध्य विचलन स्टैटिस्टिक्स में सेंट्रल टेंडेंसी के निकालने के तौर पर काम आता है। ये मैं तीनों पॉइंट क्यों लिखा रहा हूं, इसके पीछे भी रीजन है। इसके पीछे रीजन है कि आजकल थियोरेटिकल क्वेश्चन आ जाते हैं कि माध्य या फिर औसत, उसका उपयोग निम्न में से किस चीज को निकालने में किया जाता है। ऑप्शन में डाल देगा माध्य विचलन, ऑप्शन नंबर बी मानक विचलन, ऑप्शन नंबर सी वेरिएंस, और ऑप्शन नंबर डी माध्यिका। तो नहीं किया जाता आएगा तो माध्यिका आंसर आ जाएगा आपका। इस तरह से आपके प्रश्न बन जाते हैं,
ठीक है। अब एक्चुअल में होता क्या है, ये माध्य ना ये कभी चेंज हुआ है ना ये कभी चेंज होगा, इसको माध्य को औसत भी बोलते हैं और एवरेज इसका इंग्लिश मीनिंग है। वह सिंपल एक फॉर्मूला लेके चलता है, ये सम यानी कि योग बटे एन यानी कि संख्या, यानी कि जितनी भी इकाइयां जितने भी ऑब्जर्वेशन जितनी भी चीजें अगर आपके सामने रखी गई हैं उनका आप योग करें और डिवाइड कर दें कि वह कितनी संख्याओं का डेटा है। अगर बोला जा रहा है कि ए बी सी डी के पांच आयु का आयु दे रखी है तो आपको सभी की आयु का योग करना है और ए बी सी डी ई कितने हैं, पांच है तो पांच का डिवाइड करना है। वही एवरेज का एक बेसिक फॉर्मूला होता है। बस यहां सोचते हैं कि हम एवरेज खत्म हो गया, जबकि अक्सर हमसे ये पूछा जाता है कि योग क्या होगा, तो अगर कभी भी सम पूछ लिया जाए तो उन राशियों का औसत इनटू वह संख्या, वह आपका योग रिप्रेजेंट करेगा। अगर एवरेज के तौर पर अगर हम सम की बात करते हैं तो सम क्या होगा, योग क्या होगा, योग होगा आपके राशियों का औसत और कितनी संख्याएं हैं उससे गुणा करने के बाद जो आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम आगे। अक्सर आपसे बोला जाता है कि सर एवरेज निकालो 40, 50, 60, 70, 45, 35। अब मैं चाहता हूं कि आप इसका एवरेज निकाल के दिखाएं मुझे, औसत। तो आप ये बात कहते हैं सर एवरेज निकालने के लिए कुछ नहीं करना, इस दिए गए डेटा का योग कर दो और बटे उसकी संख्या का डिवाइड कर दो कि कितना डेटा है। ये सबसे सिंपल चीज है और मैं ये क्यों करा रहा हूं, क्योंकि एक प्रॉपर तरीके से मुझे आपको बताना है। 7 और 6 13 और 5 18 और 4 22, 22 और 80 अपना हो जाएगा कितना, 22 और 8 30, यानी कि ये हो गया 300 बटे 1 2 3 4 5 6 का डिवाइड कर दिया, 50। चलिए बहुत ही आसानी से निकाल दिया और इसमें कोई बड़ी बात आपको नहीं लगी, लेकिन मैं कहता हूं कि फोकस करिए इस 50 पर, आप इस 50 पर आप थोड़ा सा गौर फरमाएं। सभी विद्यार्थी मेरे कहने पर इस 50 पर थोड़ा सा गौर फरमा दें। बोले सर क्या कर रहे हैं इसमें, तो मतलब ऐसी क्या बात है, आप ऐसा क्यों कह रहे हो। मैंने कहा भाई इसमें बहुत कुछ छिपा हुआ है, आप अगर इस 50 को नोटिस करोगे तो ये 50, यह 50 एक ऐसी वैल्यू है, एक ऐसी वैल्यू है जो सभी डेटा को बैलेंस करती है, यानी कि ये जो 50 एक ऐसी वैल्यू है जो सभी डेटा को बैलेंस करती है, तभी तो 50 डेटा का एवरेज है, यानी कि इस दिए गए डेटा का एवरेज 50 ही क्यों आया, क्योंकि 50 एक ऐसी संख्या है जिसके इर्द गिर्द पूरा ये डेटा घूम रहा है। रियलिटी पे आना, आप ये कहना ही तो मामूली है सर इसमें क्या बता रहे हो आप हमें, बैलेंसिंग बता रहा हूं कि एवरेज का सही मतलब क्या है, बैलेंस क्रिएट करना। अगर आप बैलेंस ही क्रिएट नहीं कर पाएंगे तो आप नहीं कर पाएंगे आंसर। चलिए तो एवरेज का सही मतलब उसकी मिडिल वैल्यू, एक ऐसी वैल्यू जो दोनों तरफ तराजू पे न्यूट्रल दिखाए, उसी को ही एवरेज कहते हैं, असली मीन है। देखते हैं, चलो 50 से ये कितना कम आ रहा है, माइनस का 10, ये शून्य, ये प्लस का 10, ये प्लस का 20, ये माइनस का 5, ये माइनस का 15। और आपको जानकर के काफी अच्छा लगेगा, माइनस का 15, माइनस का 5, माइनस का 20, प्लस का 20 गया, माइनस के 10 से प्लस का 10 चला गया। मैंने कहा था ना कि आपकी जो 50 है एक ऐसी वैल्यू है जो आपको एक बैलेंस देती है। कोशिश करते हैं चलो बैलेंस बिगाड़ने की। माना, अब आता है यहां जूनियर सेटिस्फैक्टरी मेथड।
का फिर से रोल आ गया। अब प्लीज जरा समझ लीजिएगा, मान लो कि बैलेंस बिगाड़ देता हूं, 40 मान लेता हूं, हाँ मान ले 40 मान ले, क्या दिक्कत है भाई, मान लिया, कुछ भी मान सकते हो, लेकिन आपको पता है 40 बैलेंस देगा क्या, अब वो मुझे नहीं पता, हम चेक करते हैं। 40 से 40 शून्य आया, 40 से 50 प्लस का 10, 40 प्लस का 20 प्लस का 30 प्लस का 5 और माइनस का 5, क्या यही सब डेटा आ रहे हैं, यही सब डेटा आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, यस। और केक कटती है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 सब में बढ़ती है, एग्जैक्टली सर। तो इसलिए कहता हूं कि 40 जो माना वो अपनी मर्जी से माना है आपने, लेकिन इसके बाद जो डेविएशन निकल कर आ रहा है 60/6, 10, ये 50 आपका एक एवरेज बना रहा है। और अब आपकी जो थ्योरी है, जो आपके दिमाग में डाउट है, वो सब क्लियर हो गया होगा कि सर 40 आंसर क्यों नहीं हुआ, क्योंकि 40 हमें बैलेंस कहां दे पा रहा है बेचारा। 40 अगर लेता हूं तो 60 अलग से बन के आ रहा है प्लस का, अब ये 60 प्लस में जा रहा है जो डेविएशन, उसको किस में बांटूंगा, इन सभी संख्याओं में बराबर बांटना पड़ेगा, क्योंकि एवरेज क्या कहता है कि यार एक ऐसा औसत जो ना तो कम है और ना ही ज्यादा है, मिडिल है, और मिडिल चीज अगर होती है तो वही रिप्रेजेंट करती है। अक्सर आपने देखा होगा कि जब कभी भी किसी स्कूल का रिजल्ट आता है तो हमारे विद्यालय का औसत स्कोर 90% रहा, तो क्या उस विद्यालय से फेल नहीं हुए होंगे, बिल्कुल हुए होंगे, लेकिन एवरेज इसलिए निकालते हैं कि हो सकता है कि 4-5 फेल हुए हो लेकिन 90 से ऊपर हो 20-25, तो एवरेज जब निकालते हैं तो मिडिल वैल्यू आ जाती है, ठीक है माय डियर। तो कहने का मतलब एवरेज का सही मीन आपको पता होना चाहिए, बस एवरेज इज नथिंग बट इट्स ए मिडिल वैल्यू और मीन और बैलेंस और कुछ भी नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन, एवरेज बताओ, जोड़कर सब बता देंगे, राजवीर राजेंद्र कह रहे हैं सर आप डीएसएसबी की तैयारी करवाते हो, तैयारी अपने आप हो जाती है, बस मन लगा के बच्चों को पढ़ना पड़ता है ना, तैयारी अपने आप हो जाती है, इसके लिए मतलब कोई जबरदस्ती नहीं करवानी पड़ती, फाउंडेशन बैच स्पेशल बैच है सब में तैयारी हो जाती है, ये भी सब तैयारी हो जाती है, आप ध्यान दीजिए इस पर। मैं क्या करूंगा सर, मैं यार एवरेज निकालना चाहता हूं, हाँ आपको लगेगा अरे यार जोड़ के सीधा सीधा डिवाइड कर दो, वो कर सकते हैं यार, मतलब मैं उसमें मैं आपको नहीं टोकूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं एक ऐसी वैल्यू लूं जो बैलेंसिंग को बताए। तो मैंने आपका बैलेंस देखा 100 के आसपास मैंने देखा है, हो सकता है कि ये कम भी हो सकता है ये ज्यादा भी हो, मैंने देखा ये प्लस का 12 आया, ये प्लस का 5 आया, ये माइनस का 2 आया, ये प्लस का 3 आया और ये प्लस का 25 आया, इससे मुझे ये फायदा हुआ कि आसानी से डिफरेंस आ गया, तो डेविएशन निकालने में तकलीफ ना हुई, 12 और 5 17 और 1 18, 18 और 25, तो 18 और 25, 8 और 5 13 43, तो ये हो गया सर 43/5, तो 5 8 40 3/5 यानी कि ये हो गया 108.6। ज्यादा कूल है, ज्यादा इंटरेस्टिंग है, और आप नोटिस कर रहे होंगे कि ये 108.6 ऐसी वैल्यू है जो इसका मीन है, मीन वैल्यू ऐसा नहीं है कि मैक्सिमम के पास होती है, और मीन वैल्यू ऐसा नहीं है कि मिनिमम के पास होती है, हमेशा जो माध्य होता है वो बीच में होता है, यानी कि अब अगर इसका डिफरेंस आप किसी से निकाल के देखोगे तो सेम आएगा, क्यों निकाले हम, लेकिन हमें पता है कि ये माध्य निकल कर आ गया, कैलकुलेशन प्यारी हो गई, थोड़ा सा कंफर्टेबल महसूस करते हैं कैलकुलेशन को लेकर,
इसलिए जेएसएम अपने आप में एक ताकत रखता है आसानी से। अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो वही सब कुछ होगा क्योंकि जेएसएम का बहुत बड़ा खेल है। जी हां, समझ रहे होंगे, शुरुआत हो गई है। आइए अब चलते हैं आगे, इसके पीछे चर्चा हम आगे करेंगे जब कोई आदमी रिप्लेस करेगा या फिर कोई आदमी का औसत दे रखा होगा और उसने गलती से 25 की जगह 52 लिख दिया होगा, तब इंक्रीमेंट होगा तो केक कटेगी, सब में बटेगी, ऐसा। तो ये दिमाग में सारे मेथड्स हैं, सारे टाइप हैं, बिल्कुल निश्चिंत हो। लेकिन जो एलिमेंट्री चीज होती है उस पर बात करना शुरू करते हैं। सर 98 से नहीं आ रहा है, सबसे आएगा, ट्राई करिए, इस्तेमाल करिए, अपने आप आएगा। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि आप मैथ को चैलेंज कर सकें। चलिए आइए सर, आज चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, मतलब क्वेश्चन क्या मतलब अगले कंसेप्ट की तरफ। जरा कंसेप्ट को समझिएगा मेरे माध्यम से। मैं आपसे कहना चाहता हूं प्रथम फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का एवरेज कितना होगा, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का एवरेज। तो आपको पहले मैं समझाऊंगा कि प्रथम एन नेचुरल नंबर क्या होती हैं, यानी कि जो एक से शुरू हो, जैसे कि मैंने बोला एक से लेकर 40 तक, एक से लेकर 50 तक, एक से लेकर 100 तक, ऐसे। तो ये प्रथम एन नेचुरल नंबर का सम है, मतलब एवरेज निकालना हो तो क्या होता है। अक्सर अक्सर सब विद्यार्थी जानते हैं और उन्होंने समझा भी होगा कि सर ये होता है एन इंटू एन प्लस वन बाई टू, तो हमने सुना था, लेकिन ये तो सम है सर, ये एन प्राकृतिक संख्याओं का क्या है, योग है, योग। अगर औसत निकालना हो तो क्या कर दो, एन से डिवाइड कर दो, यानी कि जो एवरेज हो जाएगा, एवरेज कितना आ जाएगा, एन प्लस वन बाई टू। एवरेज जो हो जाएगा एन प्लस वन बाई टू हो जाएगा। कारण, कारण पता है, वह योग होता है और संख्या का डिवाइड तो करना ही है क्योंकि एन संख्याएं हैं, एन प्राकृतिक संख्याएं हैं। इसी के बिहाफ पर एक चीज बना दी गई, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, तो अब जरूरी नहीं है कि सर एन नेचुरल नंबर हो, कुछ और भी तो हो सकता है, उस पर भी बात कर रहे हैं हम, धीरे धीरे सब पर बात करेंगे, टेंशन नहीं लेने का। ओके सर जेएसएम समझ नहीं आता है, कुंदन छोड़ दो फिर, उसमें कुछ नहीं कर सकते क्योंकि तुम भी यहीं बैठे हो और बाकी बच्चे भी यहीं बैठे हैं, लेकिन तुमने ये सोच कर रखा हुआ है कि तुम्हें समझ में नहीं आता है, तो नहीं आएगा भाई, है ना। उसके लिए क्या करना है, परसेंटेज से शुरू करो दोबारा से और तब आएगा। तुम दो दिन क्लास में आते हो, पहला चैप्टर पढ़ते हो, फिर चले जाते हो, अब आज आए हो, कल आओगे नहीं आओगे आपको ही नहीं पता खुद को, तो ऐसे नहीं सीखी जाती और ना ही सिलेक्शन लिया जाता है। तो कृपया करके आराम से ध्यान दे सामने क्या चल रहा है, रीजन क्या है, तुम्हारे पीछे तुम्हारी कमी, तुम्हारी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि तुम बस एक दिन पढ़ोगे, उससे काम नहीं चलेगा भाई। फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का एवरेज आपको निकालना है, तो मैंने आपको तरीका बताया, लेकिन इससे भी इजी एक मेथड है एवरेज निकालने का, वो मेथड सबके लिए भारी है। एवरेज बराबर कोई भी संख्या हो, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बटे दो कर दो, ये सबसे बेस्ट है भाई, एवरेज निकालने का सबसे सुपर्ब तरीका है। लेकिन ये केवल और केवल एन संख्याओं में है, स्क्वायर में काम नहीं करेगा, क्यूब में काम नहीं करेगा, इवन स्क्वायर और स्क्वायर में काम नहीं करेगा, ठीक है। चलिए हां चलिए, आइए तो यहां तक हम देखते हैं। तो सर इसका आप यूज बता दें हमें, मैंने कहा भाई देखिए
मैंने बोला एक से 70 तक नेचुरल नंबर का एवरेज, तो क्या करेंगे सर? पहली नेचुरल नंबर एक है, अंतिम नेचुरल नंबर 70 है, बटे दो कर देंगे, यानी कि कितना आ जाएगा 71/2 35.5। एक से 70 तक सभी इवन यानी कि सम संख्याओं का औसत, बहुत नॉर्मल कॉन्सेप्ट है। तो क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, नॉर्मल कॉन्सेप्ट है, तो एक से लेकर 70 तक सभी सम संख्याओं का एवरेज कितना होगा? एग्जैक्टली सही सुना है आपने सर, फर्स्ट टर्म क्या लोगे यहां पर, आप लोग पहले बताओ, क्योंकि मैं अभी शुरुआत कर रहा हूं तो चीजें आराम आराम से बता रहा हूं आपको, फर्स्ट और लास्ट। तो फर्स्ट तो आप दो लो, क्योंकि पहली सम संख्या आपकी क्या है, दो ही तो होगी एक के बाद, और लास्ट की 70 चलेगी सर, यानी कि आपका जो एवरेज हो जाएगा वो हो जाएगा कितना, 2+70/2। अब यहां से कॉन्सेप्ट निकल के आ रहे हैं, कुछ लोगों को अभी कॉन्सेप्ट समझ में दिखेगा नहीं, इसलिए मैं कहता हूं कि बस ये वही फेज है जहां आप चीजों को समझ भी सकते हो और बिगाड़ भी सकते हो, इसलिए अपना फोकस बनाए रखना, पूरा कॉन्सेंट्रेशन रखना कि हो क्या रहा है, अभी सब कुछ बताऊंगा मैं। चलो सर, मैंने अगला क्वेश्चन आपको दिया, एक से लेके 70 तक सभी विषम संख्याओं का एवरेज क्या होगा बताओ। हम एक से बात कर रहे हैं, एक से 70 तक सभी विषम संख्याओं का एवरेज, यानी कि सभी ऑड नंबर्स का अगर आपको एवरेज निकालना हो तो क्या होगा, तो फर्स्ट आप एक ले लोगे और लास्ट आप 69 ले लोगे और बटे दो आप कर दोगे और आपका आंसर आ जाएगा 35। मेरी बात धीरे धीरे समझ में आ रही होगी, लेकिन कोशिश कर रहा हूं कि आ रही होगी, लेकिन यहां जो भाषा है वो एक से चल रही है, एक से चल रही है, एक से चल रही है, फर्क पड़ता है, क्या पड़ता है, कैसे पड़ता है, भाषा का क्या खेल है, वो सब समझ में आएगा, तसल्ली रखें सर। स्क्वायर क्यूब के लिए होगा वो मैं आऊंगा, आगे मत भागो, आगे भागोगे तो फिर ये भी समझ में नहीं आएगा, फिर रायता बन जाता है, फिर आप दूर चले जाते हो मैथ से, तो अपनी मर्जी से मैथ्स ना चलाएं, जो समझा रहा हूं पहले वो समझें, क्लियर भाई। चलो अब मैं आगे भाग रहा हूं, आगे मैं आया थोड़ा सा, जस्ट थोड़ा सा आगे आया, मैं एक चीज को एक्सप्लेन करने के लिए आगे आया हूं, वो देखिएगा एक्सप्लेनेशन। सर अगर आप एक से 70 ले रहे हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे 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 चले जाओगे आप, तो आगे लास्ट में आपका क्या बनेगा, आई थिंक 66, 67, 68, 69 और 70, यही सब होगा, कोई दिक्कत, यही होगा ना, संख्याएं इस तरह से ही होंगी। आर के राजेंद्र कह रहा है सर हाफ आवर बचा है थोड़ा फास्ट, हाफ आवर बचा है थोड़ा फास्ट, अच्छा आज पहला देना और ये लास्ट देना है इसका, इसका मतलब नहीं हो सकता भाई, ऐसे चलेगा ये तो, अब बस इतना ही रह गया चैप्टर, इतना ही पढ़ पाता है राजेंद्र हमेशा, हाँ यही है ना, इन बच्चों का कुछ कर भी नहीं सकते वैसे, खैर क्या करें। तो एक्सप्लेनेशन मैं कह रहा हूं यार, एक चीज नोटिस आपने की होगी कि ये सारी क्या है, पहली चीज, पहली बात तो ये क्रमागत है सारी, है क्या नहीं बात, क्रमागत यानी कि कंजिगेटिव,
अभी देखना लॉजिक निकल के आएंगे ऐसे भर भर के, ऐसे भारी भारी। पहली बात तो ये कंजुगेटिव है, दूसरी बात कंजुगेटिव की एक प्रॉपर्टी होती है क्या, पहली संख्या ले लो और लास्ट संख्या ले लो, एवरेज क्या बनेगा, मिड वैल्यू, हमेशा मिड वैल्यू। और ये आप ऐसे नहीं सोचो कि यार सर ये हमेशा अंतिम छोर और प्रारंभिक छोर का है, कि नहीं, अगर आप उससे आगे चलोगे ये 2 आया और इससे पहले चलोगे ये 69 आया, तो आश्चर्य की बात ये है कि आप समान स्थिति से, अगर समान स्थिति से अगर डिफरेंस से, मैं या यूं कहूं कि कंजुगेटिव नंबर्स हैं, तो आप सेकंड लास्ट और सेकंड नंबर का एवरेज निकालोगे तो भी वही एवरेज होगा जो पहले वाला है। क्वेश्चन बनता है, आपको चेक करा रहा हूं, बटे 2 35.5। और आप विश्वास करिए, आपसे बोलेगा कि थर्ड लास्ट और स्टार्टिंग के थर्ड का भी एवरेज, हमेशा यही रहने वाली है बात। तो क्या आपके लॉजिक में और ज्यादा मजबूती आ रही है क्या? बिल्कुल आएगी। तो ये बात केवल इसके लिए नहीं है, इवन और ऑड के लिए भी है, क्योंकि गैप तो सेम रहेगा, कंजुगेटिव है ना, इसलिए ये चलता है कि अगर आप इधर से आगे बढ़ते जा रहे हो और उधर से पीछे आते जा रहे हो, तो उन दोनों संख्याओं का एवरेज वही रहेगा जो शुरुआत में था, आगे चाहे आप कितना भी देख सकते हो। ठीक है, मेरी बात आपको समझ में आ रही है, लॉजिक क्लियर हो रहा है, बहुत बढ़िया, दिमाग में रखना, ये पेपर में क्वेश्चन आ रहे हैं इस पर। आइए अब थोड़ा ईवन पे चल लेते हैं, तो सर ईवन का एक्सप्लेनेशन भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं, और यही सब आना चाहिए। तो मैंने लिखा भाई इवन की अगर बात कर रहे हैं, एक से हम चालू कर रहे थे, तो एक से नहीं लेंगे, 2 से लेंगे, क्योंकि शुरुआत 2 से होती है, 2 4 6 8। अब लास्ट में आप चले गए 70 68 66 64। अब आप चेक कर लो चाहे तो, 2 और 70 का 72/2, 4 और 68 का 72/2, 6 और 66 का 72/2। तो यहां भर भी अगर कॉन्जिक्यूटिव है, चाहे इवन हो चाहे ऑड हो, सेम ही रहेगा। ठीक है माय डियर, चीजें क्लियर हो गई आपको, चीजें समझ में आ गई आपको, एक एक चीज क्लियर है। कंजुगेटिव नंबर की बात कर रहे थे, नेचुरल नंबर का एवरेज, इवन नंबर का, ऑड नंबर का, फर्स्ट प्लस लास्ट बटे दो, और इवन ये फर्स्ट प्लस लास्ट नहीं, सेकंड लास्ट और सेकंड उसका भी सेम, थर्ड लास्ट और थर्ड उसका भी सेम, सेम ही रहेगा, डिफरेंस सेम है तब, क्योंकि कंजुगेटिव है सारी। चलिए सर आगे चलते हैं, अब अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखता हूं, उसका जवाब देना। 97 से लेकर 355 तक की मैं बात कर रहा हूं, तक की मैं बात कर रहा हूं। तो पहला मुझे निकालिए नेचुरल नंबर का एवरेज कितना होगा, दूसरी बात मैं कर रहा हूं इवन नंबर का एवरेज कितना होगा, तीसरी बात मैं कर रहा हूं ऑड नंबर का एवरेज कितना होगा। आज शाम को टेस्ट होने वाला है जबरदस्त, 6:30 बजे, तैयार रहिएगा। चलिए कहानी बिल्कुल वही है, 97 प्लस 355/2, तो यहां हम देखते हैं 355 97, तो 7 और 5 12, 10 और 5 15, 452, 226। क्लियर है? चलिए सर 226 है। अब 226 को आ गया, यहां देखते हैं इवन नंबर का एवरेज। तो पहला इवन नंबर क्या है, 98, और इससे पहले क्या है 340, 354। तो आप अब दिमाग लगा रहे हो
और आपको दिमाग लगाना पड़ता है। कारण क्योंकि आपको पता है कि यार आप इधर से भी एक खिसके हो और इधर से भी एक पीछे आए हो, तो एवरेज सेम ही रहेगा। क्या बात है सर, ये लॉजिक तो बड़ा शानदार था। क्योंकि अब ये इवन नंबर का भी है, गलती आपकी कही नहीं बिल्कुल ही, हमने कब की है। चलिए ऑड नंबर की बात कर रहे हो तो दोनों ही ऑड है, तो ये भी सेम ही रहेगा सर। क्यों? क्योंकि दोनों ही ऑड है ना, तो वही की वही है, जैसा पहले था वैसा ही अब है। तो अब आपके सामने एक क्वेश्चन और क्रिएट हो गया यूपीएससी लेवल का। वो क्या हो गया जरा उस क्वेश्चन को सुनिए और समझिए और मजा आएगा, और लिख लेना अगर लिख सको तो। देखिए, किसी भी लगातार लिख सकते हैं कंजुगेटिव संख्याओं के बीच का औसत विषम संख्याओं का, सम संख्याओं का और प्राकृतिक संख्याओं का समान होता है, बताओ समान होता है नहीं होता? क्यों? आप इस एग्जाम्पल को देते हो तो होता है, इस एग्जाम्पल को देते हो तो नहीं होता है। यानी कि जब दो एक ही क्वेश्चन पर दो स्टेटमेंट कॉन्ट्रडिक्ट हो जाएं तो हम फॉल्स ही मानते हैं, है ना। हो सकता है, यस, डिफरेंट हो सकता है, यस सकता है, संभावना वाला केस आ गया। संभावना में हम एक पॉसिबिलिटी को चूज कर सकते हैं। अगर दोनों ही स्टेटमेंट ऐसे आ गए, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो आप क्या देंगे? ईदर और, या तो फर्स्ट या फिर सेकंड। क्लियर है? तो आपकी जो सोच है इस तरह से चलेगी यूपीएससी लेवल पर, और इस छोटे से पॉइंट से इस तरह का क्वेश्चन आपको यूपीएससी में देखने को मिल सकता है, है ना। मैंने वो क्लियर कर दिया, दोनों एग्जाम्पल इस तरह के लिए हैं जहां पर आपका एवरेज सेम आता है, और यहां पर आपके एवरेज तीनों डिफरेंट आ रहे हैं, और ये तीनों लॉजिक आपके सामने है। ठीक है भाई, क्लियर है? आइए चलते हैं आगे। आइए, जो अब अगला कॉन्सेप्ट आपके सामने रखना चाहता हूं वो इस प्रकार है। अक्सर ऐसा पूछ लिया जाता है कि भाई, एक और क्वेश्चन देता हूं इस पर, 192 से लेकर 465 तक ऑल नेचुरल नंबर का एवरेज इवन नंबर का एवरेज ऑड नंबर का एवरेज आइए। तो ऑल नेचुरल नंबर में कुछ नहीं करना आपको, 192 से लेकर 1465 तक चलना है, बटे दो करना है। यहां इवन नंबर के एवरेज में आपको 192 से स्टार्ट तो कर सकते हो, लेकिन 464 आपको लेना है यहां पर। ऑड नंबर के एवरेज में यहां 193 लेना है और यहां 465 लेना है। आई बात समझ में? तो अगर आप इन तीनों को कैलकुलेट कर रहे हो तो कैलकुलेट करने पर हमारे सामने क्या निकल कर आया, 5 और 2 7, 9 और 6 15, कैरी आया 1657 बटे 2, तो 2 3 6, 2 2 4, 2 8 16.5। यहां अगर हम देखते हैं तो ये निकल कर आया कितना, 4 और 2 6, 9 और 6 15, 5 और 1 656 बटे 2, यानी कि सर 2 3 6, 328। और यहां अगर हम देखते हैं तो ये हो जाएगा कितना, आई थिंक 8 है ना, 658 बटे 2, यानी कि 329।
एक चीज और नोटिस करने की है, उस चीज को आप हमेशा नोटिस करेंगे तो आपको और ज्यादा मजा आएगा। अब नोटिस करने का देखो क्या पॉइंट है, वो 328.5 आया, यानी कि एक लाइन और मैं लिख सकता हूं, बड़ा मजेदार चीज बता रहा हूं आपको। अभी देखो नोटिस करना आप लोग, और स्टेटमेंट को अगर आप अपनी भाषा में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, केस नंबर वन, केस नंबर वन, जब मैंने ऑड से शुरू किया था और इवन पर खत्म किया था, केस नंबर टू, जब मैंने ऑड से शुरू किया और ऑड पे खत्म किया, केस नंबर थ्री, जब मैंने इवन से शुरू किया और ऑड पर खत्म किया। तो ये तीन केस, अभी तो और भी बनेगा, एक चौथा बनेगा जब इवन इवन आ जाएगा, वो भी हम लेते हैं अभी। रुको जरा, पहले केस देख लेते हैं, ठीक है। अब जब आपने पहले केस में देखा कि एक से सत्तर तक आप जा रहे हो, जा रहे हो ना एक से सत्तर तक, हाँ, तो 35.5, 36 और 35, तो जब एक से सत्तर तक जा रहे हो यानी कि और से अगर शुरुआत कर रहे हो तो ऑड नंबर का एवरेज, इवन नंबर का एवरेज और ऑल नंबर का एवरेज क्या क्या आता है, 35.5, 35, 36, लिख रहा हूं डेटा, तुम दिक्कत मत दो इसमें, 35.5, 35 और 36, एक से सत्तर वाले में दोनों अगर मैंने ऑड ऑड ले लिए तो तीनों सेम, ठीक है, और इवन ऑड ले लिया तो देखिए 328, 329, यानी कि यहां 329 हो जाएगा, यहां 328 हो जाएगा और यहां 328.5, ठीक है, क्लियर है, समझ में आई बात, मजा आया। अब एक केस और बच रहा है और उसका फिर हम इस चार्ट का पूरा एनालिसिस करेंगे, ठीक है। एक केस बच रहा है, लास्ट केस, मैंने ले लिया 72 से 168 तक, बताओ भाई ऑल नंबर का एवरेज क्या होगा, इवन नंबर का एवरेज क्या होगा और ऑड नंबर का एवरेज क्या होगा, जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ, फिर आगे चलेंगे। तो अगर हम 72 और 168 को देखते हैं तो 72 प्लस 168 बटे 2 यानी कि सर 170 और 70 240 यानी कि 120। यहां पर भी अगर आप इवन इवन देखते हो तो इवन इवन 120, ऑड ऑड देखते हो तो भी 120। आफ्टर कंक्लूजन एक बेहतर चीज निकल कर आई है जिस पर शायद आज तक किसी ने भी गौर नहीं किया था, हमने किया है, आइए। तो वह क्वेश्चन बनेगा पेपर में, एग्जामिनर को भी पता लग गया, ये समझ लीजिए आप। तो आपने यहां एक चीज नोटिस कर ली कि जब अगर आप और ले रहे हो तो भी सेम है, तब आप इवन इवन ले रहे हो तो भी सेम है, क्यों है, उसका रीजन ये है, एक और 70, 71, दो और 69, यानी कि अगर आप दोनों छोर से सेम चीज लेकर चलते हो, जैसे कि इवन इवन लेके चले तो इवन प्लस इवन मेक्स इवन, ऑड प्लस ऑड मेक्स ऑड, है ना, जैसे कि ऑड प्लस ऑड आपने किया तो यहां पर हम कह सकते हैं 3 + 9 = 12 बन रहा है, इवन बन रहा है, इसलिए ऐसा होता है, ठीक है। चलिए तो यहां तक क्लियर हो गया आपको भाई, एक और 70 है, इवन ऑड वाला केस है, जब बराबर वाला केस आप लेते हो तब आप देख सकते हो कि यहां पर भी इवन बना, यहां पर भी इवन बना, यहां पर भी इवन बना, इसलिए ऐसा हुआ।
चलिए क्लियर हो गया भाई। तो ये आपका कंक्लूजन है जो मैंने आपको आज बताया, और आप ये ध्यान रखना कि जब और से शुरू हो रहा है तो और का एवरेज कम है, और उन दोनों के इवन और के एवरेज ओवरऑल एवरेज बीच में आता है। ये भी आपने नोटिस किया क्या, इवन और के एवरेज के बीच में आता है हमेशा, इवन और के एवरेज के बीच में आता है सभी का, ठीक है। चलिए तो अब आगे चलते हैं भाई, अगला कॉन्सेप्ट आपके सामने रखना चाहता हूं, चलिएगा। एक से 25 के बीच एवरेज क्या होगा, सभी नेचुरल नंबर का, है ना। एक से 25 के बीच नेचुरल नंबर का एवरेज क्या होने वाला है बताओ। एक से 25 के बीच इवन नंबर का एवरेज क्या होने वाला है, एक से 25 के बीच ऑड नंबर का एवरेज क्या होने वाला है, अगला 27 व 128 के बीच सभी नेचुरल नंबर का एवरेज आगे मैंने लिखा 27 व 128 के बीच सभी इवन नंबर का एवरेज 27 व 128 के बीच ऑड नंबर का एवरेज। चलो तीनों का जवाब दो, भाषा का खेल है, सारा लैंग्वेज का खेल है डियर। मैंने हमेशा से कहा है कि जो चीज आप पढ़ रहे हो वह लॉजिकल है सारी की सारी, जहां आपकी सोच रुक जाती है वहां से ये क्वेश्चन सोचना शुरू करते हैं, ठीक है माय डियर। तो कृपया करके ध्यान से जवाब देना, क्योंकि आपका एक जवाब बहुत जरूरी है। शाम को टेस्ट होगा 6:30 बजे, रात को 8 बजे भी मॉक टेस्ट होगा, लगातार देते रहिए। और हमारे यहाँ कोलकाता से कितने हैं लोग पढ़ रहे हैं, जो आपसे मिलने आ रहे हैं भैया ना, 23 तारीख को शनिवार को आपसे मिलने आएंगे कोलकाता, तो तैयार रहिएगा भाई सब विद्यार्थी, और सभी को आना है भाई, क्योंकि सब टीचर्स आपके साथ आने वाले हैं। चलिए देखते हैं भाई क्या हो गया। चलिए तो 1 से 25 के बीच में क्या हो गया सर, 1 से 25 के बीच एक को लेना है और 24 लेंगे, 25 नहीं लेते हैं यहां पर, यानी कि कितना हो गया सर 25.5, सॉरी 12, ये हो गया 25 12.5 एवरेज आ गया, ठीक है। तो जिसने भी गलती की है, ओ भाई साहब सामने आ जाओ सब, तो ये 12.5 आएगा, कारण मैंने बता दिया कि 1 से 25 की बात है, तो यहां 25 की जगह आप 24 ले लो ना भाई, किसने क्या बोला है आपसे, 24 ले लो। अब 1 से 25 के बीच इवन एवरेज कितने हैं, तो इवन का क्या करेंगे, तो यहां 2 लेना है और 24 लेना है, मजबूरी है, आप क्या कर सकते हो इसमें, ये हो गया 13। यहां 1 है और यहां 25 है, तो यहां आपको और लेना है, तो 1 25 तो वैसे भी नहीं लेना था,
और लेना है माफ कीजिए तो आपको लेना पड़ेगा यहाँ 23, क्यों? क्योंकि 25 तो ले ही नहीं सकते ना, आपको लास्ट ऑड नंबर लेनी है तो वो 23 ही है, कि बीच बोल दिया तो मामला खराब हो गया। ठीक है, तो अभी इनकी पैरों तले जमीन खिस गई होगी, वो मैं पहले ही कह रहा था, दिमाग यहां सामने लगाया करो तुम लोग। ठीक है, हाँ तो यहां हो गया 12। सबके डाउट क्लियर हैं क्या? नेचुरल वाला 13 होगा। अच्छा, ज्यादा होशियार होगे तुम। आइए, 27 और 128 के बीच सभी नेचुरल नंबर का एवरेज, 27 और 128 के बीच सभी नेचुरल नंबर का एवरेज, सो 27 प्लस 128 बटे 2 आएगा क्या? नहीं, तो ये होगा सर 26 ले लो, सॉरी 27 के बाद 28 ले लो, क्योंकि 26 तो लेना ही नहीं, 27 तो लेना ही नहीं है, और 128 भी नहीं लेना, तो आपको 127 लेना पड़ेगा बटे 2, ये होगा आंसर। इसमें 28 लेना पड़ेगा और 126 लेना पड़ेगा। ठीक है, यहां पर भी आपको 28 लेना पड़ेगा, यहां पर भी आपको क्या लेना पड़ेगा, 28 और 127 चलेगा। ये आपके आंसर्स होंगे, मैच कर लीजिए। एक इंक्लूड नहीं होगा, एक इंक्लूड नहीं होगा, एक बीच बोला है ना, तो एक इंक्लूड नहीं होगा। अच्छा, बताओ भाई, क्या इन दोनों भाषाओं में आपको फर्क नजर नहीं आ रहा क्या? यहां क्या कह रहा है बच्चा, एक 29, हाँ 29 होगा, हाँ 29 कर लो, ये तो बात ठीक है, लेकिन वहां आ जाइए आप पहले तो, है ना? अरे भाई, इन दोनों भाषाओं में आपको फर्क समझ में नहीं आया क्या? एक से 25 के बीच बोला गया है, एक से, अगर से का मतलब बोला जाए ना तो एक से लेना है, ठीक है, वो एक इंक्लूडेड है उसमें, है ना, एक से लेना है ना। अगर मैं ये बोलता हूं एक व 128 के बीच, तो आपको एक नहीं लेना है, यही तो लैंग्वेज है। दोनों भाषाओं का मैंने यही सामने के सामने आपको अंतर दिखा दिया है, उसको समझो आप, बाकी सारी चीजें दिमाग से निकाल दो, सारा खेल भाषा का है, अगर समझदार हो तो समझ लो, अन्यथा आगे चलते हैं। आइए, अगला कॉन्सेप्ट क्या है? यहां तक तो आपने क्लियर कर लिया और सबका एक ही लॉजिक है, वो फटाफट से कमेंट में लिख के बताओ क्या है। फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2। अब हम आगे चलते हैं, आगे बोला गया है फर्स्ट एन नेचुरल इवन नंबर्स का एवरेज कितना होगा। फर्स्ट एन नेचुरल इवन नंबर का एवरेज, जैसे कि मैं बोल देता हूं प्रथम 5 प्राकृतिक सम संख्याओं संख्याओं का एवरेज क्या होगा, बताओ।
प्रथम पांच प्राकृत सम संख्याओं का एवरेज क्या होगा? ठीक है, बताइए जल्दी से बताइए। तो आप जल्दी से आंसर दोगे और फटाफट से गलत हो जाएगा फिर वो, क्योंकि आपसे यहां क्वेश्चन की भाषा को समझना है कि पहली पांच, तो आपको पहली पांच लेनी है, यानी कि दो चार छ आठ दस, ये आपकी सम संख्याएं होंगी, इनका एवरेज आपको निकालना है। तो हमेशा मैंने बोला था कि भाई एवरेज क्या होता है, थोड़ा तुम भी चलो थोड़ा हम भी चलें, और जो मिड वैल्यू होती है ना, यही आपकी एवरेज कहलाती है हमेशा हमेशा। यानी कि सर इनका जो एवरेज हो रहा है वो छह आ रहा है, मतलब पहली पांच का, पहली पांच प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज छह आ रहा है, तो एन की जगह आप पांच लिख दो अभी के लिए। इसी तरह से कॉन्सेप्ट बनाने के लिए मैंने कहा कि फर्स्ट 14 इवन नेचुरल नंबर का एवरेज कितना होगा, फर्स्ट 14 इवन नेचुरल नंबर का एवरेज कितना होगा। बताएं जल्दी से बताएं क्या होगा। चलिए तो हम यह कह सकते हैं सर कि फर्स्ट 14 की अगर आप बात करेंगे, इवन नेचुरल नंबर की अगर आप बात करेंगे और उसके एवरेज की अगर आप बात करेंगे, तो बहुत ही नॉर्मल आ गया आंसर, 15 हो जाएगा। अब आप विश्वास नहीं करोगे कि यार इसके ऊपर कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट बस सिंपल सा है, एन प्लस वन, यानी कि अगर प्रथम एन इवन नंबर, इवन नेचुरल नंबर का अगर आप एवरेज निकालना चाहते हो, तो वह क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका एन प्लस वन, 15 हो गया। चेक करना चाहते हैं क्या, कर लीजिए लो, दो चार छ आठ दस बारह चौदह सोलह अठारह बीस बाईस चौबीस छब्बीस अट्ठाईस, एक बार चेक करना 14 हो गई क्या, 14 ही चाहिए ना, हाँ 14। देखो एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह हो गया ना भाई 14। चलिए तो क्या हम ये कह सकते हैं क्या आपसे, तो आपसे मैं ये कह सकता हूं कि अगर 14 है, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ ऐसे, तो इनका मिड छोर क्या होगा। सर मैं थोड़ा सा तीन यहां बढ़ा, फिर मैं तीन यहां आया, फिर मैं दो यहां आया, फिर मैं दो यहां आया, फिर मैं एक यहां आया, फिर मैं एक यहां आया, फिर क्या हुआ, फिर कुछ नहीं हुआ यार, एक यहां आ जा फिर एक यहां आ जा, अब यहां दोनों खड़े हो गए आपस में, फिर ये इसमें भी मिड में मिलेंगे, यानी कि 14 और 16 के बीच में, यानी कि 15, ये आपकी एवरेज हो जाएगी। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया, समझ में आ गई बात, चलिए क्लियर हुई बात। आइए तो इस तरह से अब आगे चलते हैं, फर्स्ट एन नेचुरल ऑड नंबर का एवरेज क्या होगा, बता सकता है कोई, विषम संख्याओं का, प्राकृत विषम संख्याओं का एवरेज क्या होगा। तो ये सबसे अच्छी बात बताऊं क्या है, बता देता हूं कि जैसे कि मैंने बोला प्रथम पांच प्राकृत विषम संख्याओं का एवरेज बताओ, प्रथम पांच विषम संख्याओं का एवरेज बताओ क्या होगा बताओ। तो देखो पांच प्रथम विषम संख्याएं लिख दी, एक तीन पांच सात और नौ, एक तीन पांच सात नौ, तो आप जब इसको कैलकुलेट भी कर रहे हो तो वो पांच ही आएगा, देख लो चाहे आप निकाल के, क्योंकि मिड नंबर पांच है, यानी कि वो हमेशा पांच ही होगा, यानी कि मतलब पांच है तो पांच होगा, एन है तो एन होगा आंसर,
लेकिन लॉजिक क्लियर है, ये फर्स्ट से चालू है। और कहते हैं ना कि मैं आपसे पूछूं कि पहली 225 विषम संख्याओं का एवरेज बता दो, 225 पहली 225 सम संख्याओं का एवरेज बता दो, 226 पहली 138 विषम संख्याओं का एवरेज बता दो, 138। तो तुरंत आप इस तरह से आंसर दे सकते हो, और आप चाहे तो ट्राई कर लो, कितने ही कर लो चाहे, एक दो क्या, कंसेप्ट बिल्कुल वही है। पहली एन नेचुरल नंबर पूछता है तो आपको एन प्लस वन बाई टू करना होता है, प्रथम एन ऑड नंबर पूछे भाई, 15 ऑड नंबर का निकालना है तो क्या करोगे भाई, 15 ऑड नंबर का एवरेज बता दो, 15 ही होगा, ऐसे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया भाई। चलिए अब ये आज आपका होमवर्क है, प्रथम 25 सम संख्याओं का एवरेज कितना होगा, 26 होगा, 20 विषम संख्याओं का एवरेज कितना होगा, पहली 20 ही होगा। तो ये सारे क्वेश्चन आज आप बनाइएगा, और शाम को आज कब का टेस्ट भी होगा इसी तरह के क्वेश्चन के बिहाफ पर। मिसिंग वाले भी मैंने दिए हैं, वर्गों का मैं आपको कल कराऊंगा, गुणज वाले भी कल कराऊंगा, घन वाले भी कल कराऊंगा। तो ये सारी चीजें आपके पास है आज के लिए, तो 6:30 बजे टेस्ट जरूर दें, इसी क्लास से रिलेटेड टेस्ट होता है, बढ़िया टेस्ट दें, आपको मजा आएगा। और रात को 8 बजे मॉक टेस्ट होता है, 6:30 बजे एवरेज का आपका टेस्ट होगा, जहां पर और कुछ नए नए कॉन्सेप्ट सीखेंगे हम लोग। साहिल 10 एज ए कोड लगाकर अन अकेडमी पर आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप साहिल 10 कोड लगाकर दें, और मेरे साथ मेरे बैच में जुड़े, जहां पर मैं कंप्लीट सिलेबस करा रहा हूं, ना केवल मेरी विषय, आपको सभी सब्जेक्ट मिलने वाली है और पूरा गाइडेंस मिलने वाला है। इंतजार क्यों कर रहे हो, आपके पास मौका भी है, दस्तूर भी है, अभी आपके लिए बहुत सारा पढ़ाई का मौका है, उसे ना छोड़ें। SSC एग्जाम पर जाएं, गेट सब्सक्रिप्शन पर चले जाएं, 24 महीने का बैच लें, रेफरल कोड में साहिल 10 एज ए कोड लगाकर आप जुड़ें। मेरा GD का कोर्स भी चल रहा है, वो सुबह 9 बजे चल रहा है, ये 5 बजे चल रहा है, आज से शुरू हुआ है, सुबह 9 बजे मैंने पहला प्रैक्टिस सेट करा दिया है। ठीक है माय डियर, साहिल 10 एज ए कोड लगाकर आपको जुड़ना है, आस्क ए डाउट फीचर, रेज हैंड फीचर, ये सारे फीचर आपको मिल जाएंगे, साहिल 10 एज ए कोड लगाइए और जुड़ जाइए। ठीक है, टेलीग्राम पर जुड़ना है, साहिल सर सपोर्ट, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और बस मस्त तरीके से पढ़ते रहिए। खींचकर लाइक कर दीजिए सेशन को, लिंक कमेंट सेक्शन में और टेलीग्राम पर डलवा दूंगा मैं। टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।